सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज़ रोहन। और गाइस, आज हम करेंगे गाइडली पर मेमोरी बेस्ड पेपर जो कि 12 अगस्त को हुआ था, उसका टेस्ट नंबर 2। और ये अवेलेबल है गाइडली पर, ठीक है। नॉर्मल जो मॉक्स है आपके उसी में है ऊपर। ओके, सो 1 हमने कल किया था, आज है टेस्ट नंबर 2 की बारी, ठीक है। और जो आज हुआ है 13 को, वो आपको कल मिल जाएगा 6 बजे के आसपास, ठीक है। 6 बजे के बाद जो बाद का टाइम दे रखा है, तो कल मिल जाएगा आपको वो। इसमें देखते हैं क्या स्कोर रहता है, और आप लोग भी लगा लेना और बताना आपका क्या स्कोर रहता है, ठीक है। और टेस्ट सीरीज अगर आपके पास नहीं है तो परचेज़ करना चाहते हो तो कोड यूज़ कर सकते हो आप RJ12, जिस पर आपको 12% का एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट जो है ये देते हैं वैसे तो क्वांट, लेकिन क्वांट मैं करूँगा नहीं, पहले करेंगे रीजनिंग। तो 7 बॉक्सेस, 1 अपॉन अदर, 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन एम एंड टी, इधर एम 1 2, टी जी इज केप्ट इमीडिएट अबो टी, जी इधर जी हो गया, ओनली 1 जी और एन, जी और एन, जी और 3 2 5 6, जी और एन इधर आएगा, और आई इज़ एडजेसेंट टू एन, आई इधर आ जाएगा, आई इधर, 3 3 6 हो गए। तो यू इज़ 2 बॉक्सेस बिलो आई, 1 2 यू हो गया, इसमें बन नहीं सकता, 3 3 6 हो गए। इमीडिएट अबो बॉक्स एन, इमीडिएट अबो टी, हाउ मैनी बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन जी एंड एम, जी और एम, 1 2 3, एस केप्ट बिटवीन टी और एन, नहीं बिलो एन, सही है। एक सेकेंड इसमें, ठीक है, और बताना जी और टी एक साथ हैं, एम और यू एक साथ, एन और आई भी एक साथ हैं, ठीक है, आई और यू यही गलत है, ठीक है। पोजीशन ऑफ आई विद रिस्पेक्ट टू टी, आई विद रिस्पेक्ट टू टी 2 2 बिलो हैं, 2 बॉक्सेस बिलो, ठीक है। बॉक्सेस एग्जैक्टली बिटवीन टी एंड यू, टी और यू की एग्जैक्टली बिटवीन है आई। CM का बताना है, CM का 1 और 1 2, इन दोनों में पेन ड्राइव हो सकता है, ठीक है। सर्फिंग वायरस फाइल ये नहीं होगा, पेन ड्राइव होगा, और फ्लोपी हार्ड डिस्क, फ्लोपी 1 सिर्फ उसी में फ्लोपी का, तो GK नहीं होगा, YF ये भी नहीं होगा, YZ भी नहीं होगा, I और M, ठीक है। हार्ड डिस्क का देखते हैं, 1 और एक लास्ट वाले में Y और F, YF हो सकता है, ठीक है। PN नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, IMYF, ठीक है। इसका ये है तो वायरस बास्केटबॉल का होता है, बास्केटबॉल इन दोनों में है, CM नहीं होगा, IBVP, GK, सो GK हो जाएगा। वायरस का हमें देखना है, सो वायरस है सिर्फ इसमें, WX ये होगा नहीं, V और Q, VQ हो सकता है, YZ नहीं होगा, CM नहीं होगा, ठीक है। ये दोनों होंगे GK और VQ। लाइट का एक सेकेंड, एक लास्ट, PN हो सकता है, VP नहीं होगा, A और C, AC भी हो सकता है, ठीक है, देखना पड़ेगा, C और D, ठीक है, इधर हो, और YZ, Y और Z का देखते हैं, YZ 1 2, इन दोनों में पेन ड्राइव नहीं होगा, सर्फिंग हो सकता है, सर्फिंग वायरस फाइल, सर्फिंग हो गया, और IB का देखते हैं, I और B, ये सिर्फ इसी में, बास्केटबॉल USB भी नहीं होगा, डिस्क पेन ड्राइव, डिस्क, सर्फिंग डिस्क कहाँ है, इरा। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज ट्रू अबाउट F, ओके, तो ये नेक्स्ट आ गया, 7 15 7 15 7 15, तो मंथ दे रखें अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, 31 31 30। B was born in the month which has odd number of days, but on
ओड नंबर ऑफ डेज बट ऑन प्राइम नंबर डेट, सो इधर आ सकता है बी और एक आ सकता है बी इधर, टू बी और ए में, बी और ए, और फिर क्या था, नंबर पर्सन बोर्न बिफोर बिफोर ए इज़ वन लेस, तो आफ्टर ई, तीन चार, एक दो तीन चार, ठीक है, सी वॉज बोर्न टू पर्सन आफ्टर सी, एक सेंट, सी वॉज बोर्न टू पर्सन आफ्टर एफ, सी आएगा इधर, सी टू पर्सन आफ्टर एफ हो गया, एंड डी वॉज नॉट बोर्न इन द सेम मंथ एज सी, सो डी इधर, ये गलत हो गया, ये बन गया सही, ट्रू अबाउट एफ, एफ नॉन प्राइम डेट, तो ये गलत, और एफ वॉज बोर्न थ्री पर्सन बिफोर ई, वन टू थ्री, ये सही है, कोई और तो नहीं है, नहीं है, वॉज बोर्न इन द सेम मंथ एज टी, तो बी आ जाएगा ये, एक सेकेंड, सेम मंथ एज डी, तो बी आ जाएगा, ठीक है, तो नंबर ऑफ पर्सन बोर्न बिफोर सी, बिफोर सी इज वन लेस, वन टू थ्री होंगे, आफ्टर सी, आफ्टर भी सी होगा, अच्छा ओके ओके, तीन होंगे डी ओ डी और एक दो तीन ए में, दिसंबर पंद्रह, तो ये आ जाएगा डी, वॉज बोर्न थ्री पर्सन आफ्टर एफ, वन टू थ्री, ई ई है 15 नवंबर, ये रहा, इफ द पोजिशन ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड लेटर ऑफ ईच वर्ड इज इंटरचेंज देन हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड फॉर्म, पोर्ट, ठीक है, टैम ये पता नहीं, जी आई एस, नेस, तो मुझे तो एक ही लग रहा है, और टैम पता नहीं कुछ होता है या नहीं, ये गलत भी हो सकता है, इफ ऑल द लेटर आर अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर विद इन द वर्ड, ठीक है, देन एंड देन ऑल द वर्ड्स आर अरेंज इन, एक सेकेंड, ऑल द लेटर्स आर अरेंज अल्फाबेटिकल ऑर्डर, देन ऑल द वर्ड्स आर अरेंज इन रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, यानी कि छोटा, ठीक है, तो देखते हैं अभी, ए बी सी डी एफ जी एच आई जी के एल एम एन ओ, फिर ए जी एच आई, ठीक है, सो स्टार्टिंग करेंगे ए, यही आएगा, और विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज फोर्थ, वन टू थ्री फोर, ठीक है, फोर्थ इधर बताना है, इसके नीचे क्या आएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, आई वाला आएगा एस आई एन, इफ एन इज एडेड टू द बिगनिंग, तो हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड, एक भी नहीं लग रहा, नॉट एन एम टी एन एस, एक भी नहीं लग रहा मुझे तो, इफ ऑल द लेटर्स आर, ऑल द लेटर्स इन द वर्ड आर चेंज टू द, all the letter change to the immediate next, and how many words have at least one vowel, kam se kam ek, a e i o u z d h n t, z d h n t, ek hai, ek z d h n t, ye isme hai nahi, h ek n t, ye do teen char ho gaye, fir hai 7 person different, lower most is number 1, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है, U is born, you live on even number floor but above 3, so ये आगे T, 3 floor below U, 1, 2, 3, Q immediate above, the number of floor below Q is one more than the above V, below one more than 2V, only two floor P or R तो इधर ही आएंगे, ये इसमें बन नहीं सकता, और P or R, P who doesn't live
हु डज नॉट लिव बिलो एस पी, जो कि अबो एस होगी पी, और फिर इधर आर, ये बन गया पर्सन एग्जैक्टली इन द मिडल, मिडल में आएगा यू, थ्री फ्लोर, वन टू थ्री, सही है। हाउ मैनी पर्सन लिव बिलो पी, वन टू थ्री फोर फाइव। टी इज रिलेटेड टू आर, क्यू इज रिलेटेड टू यू, एंड देन इन द सेम वे आर इज रिलेटेड टू एस। इफ ऑल द पर्सन आर अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम बॉटम टू टॉप रिमेन अनचेंज, पी क्यू आर एस टी यू वी, दो हैं। टी लिव्स ऑन विच ऑफ द फ्लोर, फर्स्ट 7% डिफरेंट वेट, वी इज हैवियर देन पी इज हैवियर देन ओनली जेड, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ये तीन तीन छः। वी इज हैवियर देन ओनली जेड, ओ डब्ल्यू इज हैवियर देन एक्स, ओ डब्ल्यू इज हैवियर देन वाई, इज मैनी पर्सन हैवियर देन टी इज लाइटर देन एक्स, एक्स हु इज लाइटर देन यू, ओ वाई इज द वाई जिसका वेट है 53, एक्स इज नॉट द थर्ड लाइटेस्ट पर्सन, एक्स इधर आएगा नहीं, इधर नहीं आएगा, तो एक्स इधर, एक सेकेंड, एक्स इधर भी नहीं आ सकता, ठीक है, फिर एक्स या तो इधर आएगा, एक दो, एक दो, एक दो, दो टी इधर आएगा फिर, या फिर एक्स इधर आए, एक सेकेंड, एक्स आएगा इधर, एक्स एक नहीं, एक्स इधर आ ही नहीं सकता, और फिर हमारे पास क्या है, वाई इधर आएगा हमारा, वाई जिसका है 53, डब्ल्यू और यू, एक्स इज नॉट द थर्ड लाइटेस्ट पर्सन, ये हो गया, वाई इज द वाई इतना होगा, डब्ल्यू इज, ठीक है, एक्स हु इज लाइटर देन, सो यू और डब्ल्यू का हमें नहीं पता एग्जैक्ट, फोर्थ लाइटेस्ट, वन टू थ्री फोर, वाई, ठीक है। हाउ मैनी पर्सन आर बिटवीन जेड एंड एक्स, वन टू थ्री, ठीक है। इफ द टोटल वेट ऑफ वाई एंड डब्ल्यू, वाई और डब्ल्यू का 114 है, 53 इधर, 1, 5 और 6, ये किसका आ गया, W का। द डिफरेंस बिटवीन W और U, सो U या तो हमारा होगा 65 या फिर 4 कम करेंगे 57, ठीक है। वट इज़ द पॉसिबल वेट ऑफ X, पॉसिबल वेट 54, 5 ऐसा हो सकता है, तो ये हो सकता है इसका, ठीक है। ओड वन आउट पी क्यू आर एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स जी ए बी सी डी एफ जी एच आई पी क्यू आर एस टी फिर यू एस टी यू एक ही है, मैन ओ पी क्यू आर फिर ये गलत लग रहा है, पी एम एन ओ पी क्यू फिर आर है, एस टी यू है, लेकिन उसमें एस टी यू है डायरेक्ट, ठीक है। ए बी सी होगा सी डी ई एफ, सही है, पहला ही गलत है। और फिर है हाउ मैनी पेयर्स बोथ, ठीक है, एफ सिक्स 15 और एक सेकेंड आर 18 हो गया, बी टू 9 और 5 एन हो गया 14, 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 नहीं बनेगा, 18 भी नहीं बनेगा, 2 3 4 5 2 3 4 5 6 नहीं बनेगा, 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 4 5 5 6 7 8 नहीं बनेगा, 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19, 1 2 3 ही है सिर्फ। नेक्स्ट है पी ग्रेटर देन एल,
बी ग्रेटर देन एल सही है, बी ग्रेटर देन जे, बी ग्रेटर देन जे भी सही है, बोथ आर राइट। ई ग्रेटर देन आई, ई ग्रेटर देन आई गलत। एच ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन, एच ग्रेटर देन एक सेकेंड, एच तो ये ना, एच ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन, ये भी गलत। सो नाइदर नोर। नेक्स्ट फिर ओनली ए फ्यू एप्पल फ्रूट और सम फ्रूट जूस स्वीट ऑल स्वीट एप्पल नहीं पता। सम स्वीट स्वीट जो है फ्रूट ये सही है। ओनली सेकेंड ठीक है। ऑल चौक इरेजर सम मार्कर इरेजर ओनली फ्यू चौक इज पेन ठीक है। नो चौक इज मार्कर नहीं पता। सम चौक इज मार्कर ये भी नहीं पता आइदर और। फिर है नो फॉक्स गोट ओनली ए फ्यू लायंस और गोट ऑल फॉक्स जो कि है ऑल फॉक्स एनिमल। सम एनिमल बींग लायन इज अ पॉसिबिलिटी। सम एनिमल आर नोट सम एनिमल इज नोट गोट सही है। सो बोथ बोथ कहाँ ये रहा। नेक्स्ट है सम आई जो कि है फेस ठीक है एंड ओनली ए फ्यू फेस इज ईयर नो ईयर माउथ। सम आईज ईयर एक सेकेंड ये क्या था ये था पहला था आई फिर था ईयर। सम आई ईयर नहीं पता। ऑल फेस बिंग माउथ फेल्स फेस बिंग माउथ इज अ पॉसिबिलिटी हो सकता है ओनली सेकेंड। फिर है वाई थ्री मीटर वेस्ट ऑफ आर हो गया। फिर है डब्ल्यू जो कि 4 मीटर साउथ ऑफ वाई डब्ल्यू हो गया ये। पी 5 मीटर वेस्ट ऑफ डब्ल्यू एंड पी इज 3 मीटर नॉर्थ ऑफ 3 मीटर नॉर्थ ऑफ पी इज वेस्ट एंड पी इज नॉर्थ ऑफ डी। तो पॉइंट फोर इज 4 मीटर पॉइंट एफ है 4 मीटर ईस्ट। वाई 1 मीटर नॉर्थ ऑफ एफ वाई हो गया 4। ये क्या है एम इज 2 मीटर ईस्ट ऑफ बी। बी कहाँ है बी है बी इज 1 मीटर बी है ये सॉरी और एम इज 2 मीटर ईस्ट। सो 2 मीटर ईस्ट है एम। फिर क्या है इफ टी इज 1 मीटर नॉर्थ ऑफ बी वन ठीक है टी अगर इधर मान लिया डिस्टेंस बिटवीन द एफ एंड टी डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड टी इज इक्वल यानी कि 2 और वाई और एम होना चाहिए फिर वाई और एम ठीक है सेम बताना। आर डब्ल्यू इस तरीके से एम एफ ये भी वाई पी ठीक है डब्ल्यू डी भी सही है। नेक्स्ट जो है वी और यही गलत है। छोटा डिस्टेंस बिटवीन डब्ल्यू और आर तो 5 आएगा इसका। तो ये क्या है ऑल द लेटर्स वर्ड आर अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट। तो एस पी ओ आर टी आई वी ई ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस फिर टी यू वी ठीक है सारा हो गया। रिमेन्स अनचेंज बताना है एक सिर्फ एक है और फिर 6 3 8 2 5 4 1 7 6 5 वन इज एडेड टू इवन डिजिट है ये 7 5 3 9 7 एंड वन इज सब्ट्रैक्टेड 2 4 0 6 4 हाउ मैनी डिजिट्स आर रिपीटेड मोर देन वंस। एक ये नहीं है 9 भी नहीं है 3 भी नहीं है 2 है ये मार्क क्यों नहीं हुआ हो गया।
टाइम बचा हुआ है हमारे पास 26-20 मिनट ले गया मैं, 19-20 मिनट, और आगे देखते हैं टोटल जो कि है, टोटल है 600 डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ कैंडिडेट अप्लाइड इन 11 एंड 12। सो 11 और 12 हो गई, ये 45 है, और टुगेदर एंड द नंबर ऑफ कैंडिडेट अप्लाई 14 वाला लास्ट 24, तो 1, 2, 20, 6, 6 6 2 12, 126। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ कैंडिडेट अप्लाई इन द 10 और 12। सो 10 11 12 ये हो गए 20 35। ठीक है, रेशियो बताना है, और नंबर ऑफ कैंडिडेट 13 14 13 और 14 ये होगा, सो 5 और 3, सो 1:1 आ गया। एवरेज नंबर ऑफ कैंडिडेट अप्लाई 10 11 10 11 ये होंगे 50, 12 और 13, सो ये कितना है, 5 और 1 6 2 6 7 6 डिवाइड बाई 3, 2 6 2 12, 7 1 14 1 15 154, यानी 1 सेकेंड, 1 2 3 4 है, सॉरी 4 आएगा, 3 2, तो यहाँ से एक यही काट देते हैं, 19 6 करेंगे, सो 114 आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट अप्लाई इन द जॉब 10 11 12 13 13 हो गया 11, तो इसे अप्रोक्सीमेटली बट परसेंट लेस देन द अप्लाइड इन 11 11 में है, मतलब 19 कम है 30, अप्रोक्सीमेट हमें बताना है 190/3, सो 663 समथिंग आएगा। ठीक है, द नंबर ऑफ कैंडिडेट अप्लाई 2011 में 30, अब क्या है, यह है नंबर ऑफ बनाना सोल्ड और नंबर ऑफ एप्पल सोल्ड हो गए, तो द नंबर ऑफ एप्पल सोल्ड इन 1 ए में है इस वर्ड परसेंट मोर और लेस देन द एप्पल इन बी, सो कितना आ जाएगा, 12 में से मोर बी, और 18 3 54, 1/3 33 आना चाहिए ना, एप्पल सोल्ड इन ए 54 is what percent or more or less in the B. अरे 4 आएगा, 1/4 आएगा, नहीं तो 25% लेस आएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं, द एवरेज नंबर ऑफ बनाना सोल्ड इन ऑल 5 बनाना 8 16 17 18 19 20 2, और यहाँ से कितना आएगा, 6 3 18 18 19 20 20, तो ये हो गया, और 8 15 5 3 70 आ जाएगा। द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बनाना सोल्ड इन सी, बनाना जो कि सी 67 एंड द नंबर ऑफ एप्पल सोल्ड ए और बी टुगेदर, तो 4 1 6 12, तो आ गया 9, और यहाँ से 59। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ बनाना सोल्ड, बनाना एंड एप्पल सोल्ड इन ई 2012। ठीक है, ई 2012 और ये 11 का 12% मोर देन द टोटल नंबर ऑफ टोटल। ठीक है, सो ये कितना हो जाएगा, 160 का 40 निकालें, 16 2 64, 4 6 2 12, 224 आ जाएगा टोटल। तो क्या बताना है, इन द नंबर ऑफ बनाना सोल्ड इन ई इज, ई का है 120, तो ये हो गया बनाना, और 104 बच गए, वो बच गए एप्पल, एप्पल हो जाएंगे 104। रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एप्पल सोल्ड इन बी एंड सी टुगेदर, एप्पल जो कि बी और सी है, 8 2 16, और जो है बनाना सोल्ड इन डी, तो 2:1 आ जाएगा, ये 15 4 60। ठीक है, 60 आएगा सिर्फ, 625, 5 8 6, और 5 ये डिवाइड में चला जाएगा, यहाँ से आएगा 1 1 8 का 3। ठीक है, 3 और 5 का 7, 137, 6 आ गया, 2 0 2 2 4 प्लस में 7 2 3 2 6, तो ये आ जाएगा 10, 3 3 9,
नाइन इंटू नाइन इंटू नाइन डिवाइड बाई 27 इंटू 27 थ्री, थ्री तीन तिया नौ, तो तीन आ गया, तीन की वैल्यू पावर दो, ठीक है। 14 दूनी 28 माइनस 4x इक्वल्स टू यहाँ से 4 6 इस तरह जाएगा 64 6 12 4 5 4 4 48 65 8 5 40 4 8 5 20 24 8 6 48 8 4 12 6 7 6 24 7 11 300 किया गया वो 6 36 ठीक है। 0 8 5 में से 1 गया 4 480 18 डिवाइड बाई 6 6 3 18 3 2 6 60 इक्वल्स टू एक्स माइनस 15 2 30 उस तरह हो जाएगा 90 और ये है 6/5 3/2 3000 ये आ गया 3 5 पर गया 6 00 3 3 9 9 6 54 और माइनस एक्स 2800 इधर है ये उस तरफ ये इस तरफ ठीक है। तो 24 25 2600 आ जाएगा इसका आंसर 2600 इधर 0 6 7 8 और 1 9 4 3 7 और 15 6 90 9 15 1 15 24 240 जाएगा 0 5 5 550 का ये रहा रूट और फिर 6 6 36 144 6 4 10 8 200 और 1 सेकेंड ही कटेगा तो नहीं फिर 180 आएगा ना मैं भी सोच 6 3 18 3 0 3 3 9 और ये 15 चौके 60 67/15 45 134 या कट 2 3 और फिर इक्वल्स टू एक्स बाय 2 दो से 2 गया 3 आ जाएगा आंसर 12 0/12 10 आ गया माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 16 5 80 16 6 और इस तरफ 4 2 आ जाएगा 32 × 15 डिवाइड बाय 4 8 15 8 120 माइनस 48 करेंगे 2 और ये आएगा 72। नेक्स्ट है 1/8 × 45/100 × 160 8 2 0 वो ये आएगा 5 9 4 आ जाएगा इधर से 4 आया 4 चौक 16 30 करेंगे 12 36 1/4 करेंगे 100 और इक्वल्स टू 11 माइनस करेंगे 5 2 1 125 आया क्यूब होता है 5 का 4 चौक 16 4 2 8 128 0 6 7 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू 30 और ये उससे जाएगा 140 25 26 प्लस जो कि ये 12 में से 5 के 7 और अब क्या करें इधर 8 रहेगा 3 फिर प्लस 0 5 फिर प्लस ये कितना हुआ यहाँ से 11 11 और अब देखते हैं आगे 5 5 और 1 6 हो गया 15 तो आगे आएगा 17 7 5 12 और 6 और 1 7 और 1 8 82 207 982 89 है ना ये रहा ठीक है। फिर ये कितना हो रहा है इधर 70 24 25 26 27 प्लस 27 प्लस 3 एक सेकेंड माइनस हो रहा है फिर यहाँ पर माइनस में ये कितना हुआ 26 और 1 27 एक सेकेंड यहाँ से अगर मैंने गलती कर दी ना ये 16 में से 7 गया 9 और यहाँ पर बचेगा 2 प्लस हुआ फिर माइनस 16 में से 9 गया 7 और फिर यहाँ आएगा 2 फिर प्लस हुआ जो कि 28 और 28 फिर 29 प्लस हुआ फिर माइनस कितना किया इसने यार ये तो मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ एक सेकेंड 20 यहाँ पे अगर 9 10 11 12 12 इधर
फिर अगला फिर से 12 ऐड किया, फिर ठीक है प्लस 12 चल रहा है इधर, कितना किया इसने 8 और 4 12, 208 में 12 ऐड करेंगे 220, ठीक है ये मैं गड़बड़ कर रहा था, हो जाता है ये भी ऐसे भी, लेकिन इंटू 3 माइनस 1 इंटू फिर 3 किया इसने, 6 3 18, 1 5 15 और 1 16 इंटू 3 माइनस 1 और ये आ जाएगा, फिर इधर क्या किया प्लस 8, फिर प्लस यहाँ से किया 26 और 1 27, फिर प्लस 44 और फिर 20, 4 और 1 6, 2 3 4 अगला 5 होगा, फिर 6 216 आ जाएगा, 345, 11 4 5 और 1 6 6, 6 6 1 5 आएगा, 5 6 1, शुक्र है 6 6 1 आंसर नहीं था, वरना तो मैं वही टिक करता। ठीक है आगे चलते हैं, वो देखते हैं क्या कुछ रहता है अभी हमारा। सो एक ये है, इसको बाद में देखेंगे। अनु स्पेंड 30% ऑफ हर इनकम ऑन फूड, हंड्रेड थी, हंड्रेड में से 30 जो फूड पे लगा दी, ठीक है 35% जो कि है रेंट पर, और 15% सेव कर ली इसने, एंड स्पेंड हर रिमेनिंग, जो कि रिमेनिंग कितनी बच गई 30 30 60 70 80, 20 बच गई, 20 जो है एजुकेशन पर लगा दी, और शी स्पेंड एजुकेशन की जो दे रखी है इसने इतनी है, तो 6 600 आ गया की वैल्यू। अनु मंथली इनकम बतानी है हमें, 60,000 आ जाएगी। तो सम ऑफ द फोर कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज, फोर कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, तो एक तो एक्स एक्स प्लस 2x+4 x+6, इनका सम जो है 12 मोर है कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स। सो ओड को हम कैसे डिनोट करें, एक्स मान लिया, ठीक है एक तो हमने एक्स मान लिया, रेशियो ऑफ द, फिर ये क्या दे रखा है, रेशियो ऑफ द स्मॉलेस्ट, रेशियो ऑफ स्मॉलेस्ट इवन नंबर, स्मॉलेस्ट इवन नंबर 2 है और द ओड नंबर इन द सीरीज, ठीक है तो ओड नंबर मान लेते हैं, एक मान लिया हमने छोटे से छोटा, फोर कंसेक्यूटिव बोला ना, 1 3 5 7 2 4 6 8 हो गया, 4 10 20x ये मान लिया, और 6 4 10 16 16x ये, तो कितना ज़्यादा है, 4 की वैल्यू में दे रखी है 12, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 3, बताना क्या है, बताना हमें लार्जेस्ट ओड नंबर, 1 की वैल्यू आई है 3, लार्जेस्ट ओड नंबर 7, 7 ये तो चार और फिर 3 आ गया ना, एक सेकेंड ये जो डिफरेंस आया ना यहाँ से 4 आया है, लार्जेस्ट ओड नंबर तो हमारा 7 है, फिर 7 का तो काफी जाएगा, अच्छा 10 20 इसका जो हुआ है 20। आगे चलते हैं, इसको भी एक बार छोड़ते हैं। रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए टू बी आफ्टर, प्रेजेंट एज ऑफ ए टू द एज ऑफ बी आफ्टर 12 ईयर, ठीक है सो ये 7 और 8+12 है, एंड इफ ए इज, ए जो है 8 ईयर्स एल्डर टू बी है, ठीक है और फिर आगे सम बता रहे दोनों की प्रेजेंट एज का, ठीक है तो ए की जो प्रेजेंट वाला दे रखा है इसने, ए का दे दिया कितना 7x, ए का दे रखा है 7, और यहाँ से हम मान, तो बी का कितना आ जाएगा 7x-8, और बी का अगर 12 साल बाद अगर ऐड कर +12 तो 7x+ का कितना आएगा 4, वही एक की वैल्यू आ गई 4,
और प्रेजेंट हमें बताना है 7 चौक 28 तो ये आ गया, और यहाँ से 8 चौक 32, 32 में से 12 गया तो 20, 48 आएगा इसका आंसर। ठीक है, वेसल कंटेन्स 200 लीटर मिल्क, वो मिल्क और वाटर, 7:3, ये कितना आ गया 140 और 60, और 40% ऑफ मिक्सचर इज रिमूव, 80 यानी कि 120 बच गया, एंड 120 10 12 12 7 12 12 7 84 और 12 36 मिल्क वाटर और प्लस एक्स ये ऐड कर दिया, देन द रेशियो ऑफ द 6:5, ठीक है, इनटू में 84 अपॉन में 6 6 और फिर 24 हो गया, 6 6 24 इंटू में 14 करेंगे, 14 5 70, तो एक्स की वैल्यू हमें बतानी है, पैर कितना आएगा 36 में से करें 4 3 34। मैन बोट 5 वॉच फॉर 1500 एंड सोल्ड जो है इतने परसेंट प्रॉफिट, ही ऑब्टेंड प्रॉफिट ऑफ रुपीज इतना, ठीक है, सो (15x = 16x - 60x) की वैल्यू आ गई 60, ठीक है, 60% का इसने सेल किया है ऊपर, तो सेलिंग प्राइस हमें बताना है 15 6 90 924। एक सेकेंड रुकना, रेशियो ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ ए टू बी जो कि है 4 और 5, ये है एफिशिएंसी, टाइम इनका हो जाएगा ये, और ए जो कि है 25 दिन में, इनटू 5 5 चूँकि 20 दिन में ये कर देगा, तो ए और बी का हमें पता चल गया टाइम 25 और 20, सो इनका हम मान लेते हैं 25 दिन 50 100 5 और 4, ए एंड बी started the work together and after 5 days A left, तो 5 9 9 5 45 बच गया 55, तो A करेगा 11 दिन के बाद, एंड द टोटल टाइम कम्प्लीट द वर्क, सो स्टार्टिंग 5 5 वो और 11 ये 16 दिन लगेंगे, ठीक है, पी एंड क्यू इन ए पार्टनरशिप इन्वेस्टेड 0 0 ये तो गया 9 और फिर 11 एक्स मंथ के लिए, और एक्स प्लस 5 मंथ के लिए जो कि है 9x 11 × x + 5, पी और क्यू का ये हो गया 11 से 11 2 3, 3x = 2x + 10, एक्स की वैल्यू आ गई 10। ठीक है, टोटल टाइम टेकन बाय कार टू कवर एक्स किलोमीटर, टोटल टाइम टेकन बाय कार टू कवर एक्स किलोमीटर एंड ट्रक कितने किलोमीटर, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टोटल टाइम इसने दे दिया डिस्टेंस एक्स प्लस डिस्टेंस एक्स माइनस 2 30, और ये दे रखे कार की जो स्पीड है 25, इसकी दे दी 20, ठीक है, इसको सॉल्व करना है 25 50 500, यहाँ से 30 और ये कितने पे जाएगा 2 0 20x, ठीक है, अगला जाएगा 25 25x - 120 × 25, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 45x - 120 × 25, 30 × 500, ठीक है, 1 0 जो 0 रहने देते 9 5 और यहाँ से 6 6 5 30 3000,
12 × 5 = 60, 600 − 9x तो ये 36 हो जाएगा, 9 × 36 = 400। बताना क्या है? एंड द टाइम टेकन बाय कार टू कवर एक्स किलोमीटर, टाइम बताना, एक्स की वैल्यू 400, 25, 25 चौके एक सेकेंड, 4 × 16। टोटल डिस्टेंस कवर बाय बोट, बाय द बोट इन डाउन स्ट्रीम, एंड डिस्टेंस जो कि कवर किया इसने, यू प्लस वी 4, 4 इंटू यू प्लस वी 8 इंटू यू माइनस वी 280। ठीक है, 4 × 2 = 70, यू प्लस वी प्लस 2u − 2v 70 हो गया, 3u − v = 70। और द स्पीड ऑफ करंट इज, ये दे दिया 5, 5 × 75, 3u, u आ गया 25, 50 जो कि 25, 2 × 0 = 20। रेशियो ऑफ द अमाउंट इन्वेस्टेड ए एंड बी इन एस आई, ठीक है, ए और बी 5 और 4, 20% रेट, और 20 × 80, ठीक है, 15 15x, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, द रेट रेशियो ऑफ द इंटरेस्ट, ठीक है। सो एक काम करते हैं, 5 जो कि है 80% और 4 जो है 15x, ठीक है, इनका जो रेशियो दे रखा है ये 5 से ये गया, ये कितने पर जाएगा, 5, 8 × 2 = 16, 4 4, x की वैल्यू आ गई हमारी 4। क्वांट के दो क्वेश्चन रह गए, एक ये एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल जो कि दे दिया 160, द रेशियो ऑफ द बेस एंड द हाइट, बेस 5 और हाइट लगा ली 4, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 4x में 160, और यह अगर 2 × 5 = 10, एक्स की वैल्यू आ गई हमारी 4, ठीक है। रेडियस ऑफ द सर्कल इज 2 < द हाइट ऑफ, हाइट कितनी होगी, 4 × 16, 2 × 14, ठीक है, रेडियस हो जाएगा ये, तो पाई आर स्क्वेयर 2, और यहाँ से 2 × 2 = 4, 14 × 56, 6 × 5 = 5, 6 × 6 = 16, ही हो गया। ये मेरा ये नहीं हुआ यार, ये पता नहीं क्यों नहीं हुआ, द सम ऑफ द 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज इतना मोर देन, और क्या दे रखा है इसने, रेशियो ऑफ द स्मॉलेस्ट इवन नंबर टू द ऑड नंबर इन द सीरीज, इवन और ऑड, स्मॉलेस्ट मान्य 2, 4 होगा, कंसेक्यूटिव दिया तो 6, फिर 8, ये 1 3 5 7, ठीक है, तो इनका जो डिफरेंस कितना आया है देख लेते हैं, 12 मोर बोल रहा है ना, फिर बन तो नहीं रहा यार ये, लेकिन 6 × 4 = 10, 20 हो गए तो, ठीक है, 10 और 16 डिफरेंस आया 4, इसी 4 की वैल्यू 12 दे रखे, 1 की वैल्यू 3, और लार्जेस्ट ओड नंबर 7 7, ये 21 आना तो चाहिए इसका आंसर 21, अगर ये मार्क कर दिया मैंने तो कहीं गलत ना हो जाए, गलत होते ही फिर मार्क्स एकदम से डाउन जाएंगे, मोर देन द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स। और इसमें श्रृंखला में सबसे छोटी विषम संख्या क्या अनुपात, बनता हुआ तो मुझे यही दिखाई दे रहा है, वैसे
लेकिन अगर एक्स प्लस एक्स हो गया, एक एक्स प्लस टू, एक्स प्लस फोर, एक्स प्लस सिक्स, एक मान लिया वाई, वाई प्लस टू, वाई प्लस थ्री, वाई प्लस फोर, एक वाई प्लस सिक्स होगा, इधर सिक्स इधर फोर, और जो एक्स और वाई का जो है इसने रेशियो दिया है दो और एक, ठीक है, एक दो तीन चार, चार दूनी आठ एक्स, दो चार दस और दो बारह, ठीक है, इक्वल्स टू एक दो तीन चार, चार एक्स और छः चार दस बारह, प्लस में बारह, बारह से बारह गया, चार एक्स की वैल्यू बारह, एक की वैल्यू तीन आई, ठीक है। और वो लार्जेस्ट ओड नंबर पूछा है ना, तो ये आ गया, एक की वैल्यू एक है तो नाइन आ गया ना, हमारा आंसर आ गया, एक की वैल्यू आ गई तीन, माना है वाई प्लस सिक्स बन गया, ठीक है। हाँ, इस तरीके से होना था, फिर ये शुक्र है हो गया टाइम पर ही। अब देखते हैं स्कोर, एक मुझे लग रहा है अल्फा न्यूमेरिक वाला मेरा गलत, जिसमें वर्ड मीनिंगफुल वर्ड का था, ठीक है, बाकी देखते हैं क्या रहता है। दो गलत हो गए और वही रीजनिंग में ही गलत हुए हैं, और दोनों के दोनों मुझे लग रहा है वही गलत होंगे ये। सो एनालिसिस हम देख लेते हैं क्या रहा है हमारा, 77.5 स्कोर रहा है, ठीक है। इसका थोड़ा सा है ना, इस वाले मॉक में जो अर्थमेटिक है वो थोड़ा सा सही था, बजाय कि जो पहले दिया था, ठीक है। सो इसमें जो रहा है रैंक है 374, परसेंटाइल 93। अभी एक बार सॉल्यूशन भी देख लेते हैं कौन सा गलत हुआ है हमारा। पहले वाले जो कल मैंने दिया था उसमें तो टाइम फिर भी बच भी गया था मेरा, ठीक है, इसमें टाइम बचा भी नहीं, अर्थमेटिक में मैंने काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लिया। ठीक है, तो ये मैथ ये तो हमारा सही है, और एक ये, अच्छा ये वाला गलत कर दिया मैंने एक, तो रिमेनिंग इन द सेम पोजीशन, तो ये कौन सा था, 7%, ठीक है, अभी देखता हूँ, यही होगा फ्रॉम बॉटम टू टॉप, पी क्यू, एक क्यू भी तो था, ओके, ठीक है, एक तो ये गलत किया मैंने, और एक ये कैसे गलत हो गया यार, सम आई फेस, ठीक है, ओनली ए फ्यू फेस, ईयर नो ईयर माउथ, सम ईयर तो ये नहीं पता हमें, और ऑल फेस जो है माउथ नहीं हो सकते। अच्छा, मैंने सम में ले लिया था शायद से, ये इसका एक भी नहीं आएगा ना, हाँ ठीक है ठीक है। सो दोनों सारे सही हो जाते वैसे। सो गाइज ये था मॉक, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग बताना आपका क्या स्कोर है इसमें, ठीक है, बाय बाय।